दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आज़ादी मिली थी, पर 2 अगस्त का दिन भी अमेरिका के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2 अगस्त 1776 को सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के 56 सदस्यों ने अमेरिका की आज़ादी के आधिकारिक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर किए थे फिलाडेल्फिया में। साथ ही 2 अगस्त 2003 को क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ग्रैम स्मिथ ने 259 रन की पारी खेली थी। यह किसी भी विदेशी बैट्समैन द्वारा लॉर्ड्स मैदान पर खेली गई सबसे अधिक रनों की पारी है। ऐसे ही फैक्ट्स के लिए और साथ ही KBC प्लेयर ऑन लाइव खेलने के लिए जुड़िए हमारे चैनल द सोल्ड गाइस से। प्लीज सब्सक्राइब।